इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोर्स ओवरव्यूज देखने वाले हैं कि बिफोर डिस्कसिंग द मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश लेट अस लुक एट द कोर्स ओवरव्यू टू गेट एडमिशन। अगर जो भी स्टूडेंट नीट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं इस समय 2023 में, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप किए होंगे और इसमें देखेंगे कि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, एक अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपका MBBS होता है और MBBS के बाद आप MD और MS कर सकते हैं, इसको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स बोलते हैं। अब देखिए MBBS कोर्स जो होता है ये 5.5 साल का होता है और MD आपका 3 साल का होता है। तो स्ट्रीम मेडिकल साइंस, हम लोग इस वीडियो में MBBS के कॉलेज के लिस्ट जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वही देखने वाले हैं। तो MBBS आप नेट के थ्रू कर सकते हैं और वो भी आपका PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th होना चाहिए। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेज है कि कितने कॉलेज यूपी में आपके टोटल रन कर रहे हैं, तो ये देखिए इसकी यहाँ पे क्लिक हियर, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ एफिलेटेड, यहाँ पर इस्टेब्लिश, कब ये कॉलेज स्टेबल हुआ था। तो जैसे LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ में जो है ये 1966 से रन कर रहा है। तो फर्स्ट पे आपका ये आपकी रैंक वाइज नहीं है, टोटल कॉलेज वाइज ऐसे दिया गया है। ये देख लीजिए नरायना मेडिकल कॉलेज कानपुर में जो GSBM है, आपका ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में है, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज हरदोई, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज देवरिया, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, नेक्स्ट में ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज जौनपुर। ये देखिए जितने ये ऑटोनोमस कॉलेज है ना, अभी ये जल्दी से रन किए हैं, देखिए 2021 तो 2021 से जो कॉलेज रन कर रहे हैं ये ऑटोनोमस अभी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट ही कॉलेज होते हैं। ये देखिए 9th नंबर पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर, गोरखपुर में ये गवर्नमेंट कॉलेज है। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज मिर्ज़ापुर 2021 से ये भी रन कर रहा है। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर ये भी 2021 से चल रहा है। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज ईटा देख लीजिए ये भी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली जो 2019 से है। नेक्स्ट ये देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, कन्नौज 2012 से ही चल रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन औरई जो आपका 2013 से ये रन कर रहा है। ये देखिए शेख उल हिंद मौलाना मोहम्मद हसन मेडिकल कॉलेज सहारनपुर 2015 से, गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बांदा से 2016 में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये देख लीजिए किशन ग्रेटर नोएडा में जो आपका है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 20 नंबर पे फैजाबाद और 21 नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद। फिर उसके बाद आएंगे आप 22 नंबर कॉलेज पे, ये देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका रामपुर बस्ती में जो है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में ये देखिए शाहजहाँपुर में है 2019 से ये चल रहा है, 2019 से बस्ती में डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहा है जो बस्ती के एकदम मेन सिटी में है। नेक्स्ट देखिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से ये एफिलेटेड है और गवर्नमेंट शाहजहाँपुर हो गया। 24 नंबर पे आप देखिए आजमगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज है, ये भी किंग जॉर्ज से एफिलेटेड है, मीन्स जुड़ा हुआ है। और ये देखिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है और ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में भी एक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे 2 मेडिकल कॉलेज। ये देखिए महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर में है जो 2011 से चल रहा है। 28 नंबर पे बनारस में एक मेडिकल कॉलेज है जो 1960 काफ़ी पुराना है, जो बनारस में मेडिकल कॉलेज है। ये देखिए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, ये देखिए 1968 से चल रहा है, सबसे पुराना हमें लगता है, देखिए कौन सा है BHU का आपका 1960 से ही है। और अब अगर KGMC की बात करेंगे कि किंग जॉर्ज, ये देखिए 1911 सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज 1911 से चल रहा है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 1911 से, फिर 1960 से। ये 30 नंबर पे देख लीजिए 1961 से इलाहाबाद में, 1949 ये भी काफ़ी पुराना है जो आगरा में ESEN मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पुराना की बात करेंगे तो आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट 32 नंबर पे BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है, ये देखिए राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बहराइच 2019 से चल रहा है।
नेक्स्ट 34 नंबर पे, 34 नंबर पे ये देखिए उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इटावा सेफई में जो आपका ये मेडिकल कॉलेज है एकदम रूरल एरिया में है। 35 नंबर पे जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में आपका, ये भी काफ़ी पुराना है, 1955 से चल रहा है। और 36 नंबर पे देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में, तो लखनऊ में आपके दो मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हैं, ये सभी गवर्नमेंट ही कॉलेज हैं। आप एक बार देखिए 2017 में इसे ये रन कर रहा हो। 37 नंबर पे आपका राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में है जो 2022 से रन कर रहा है। तो ये टोटल मेडिकल कॉलेज हैं जो आपको 37 मेडिकल कॉलेज, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कुछ समथिंग में मेडिकल कॉलेज के फीस दिए गए हैं जो पर ईयर लगते हैं। ये देखिए फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 54,636, आपका गणेश कानपुर का है, सरोजनी एशियन मेडिकल कॉलेज आगरा का भी 36,000 रुपये पर ईयर हैं। तो ये आपके कुछ फीस दिए गए हैं समथिंग में, ऐसे इसी के अराउंड में लगभग फीस लगते हैं, तो आप ये देख लीजिए। और सबसे कम फीस की बात करें तो शायद बीएचयू का सबसे कम फीस लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए सभी ये फीसें दी गई हैं पर ईयर जो फीस लगती हैं, कुछ अकॉर्डिंग वेरी करता है कॉलेज वाइज। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट देखेंगे जो MBBS कॉलेज की है और फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।